हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉसिको आईपीआर चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कोका कोला की केस स्टडी को लेके। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी होने वाली है। अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखना चाहिए। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आईपीआर के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो या कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना कि कैसे एक छोटी सी कंपनी पूरे देश में अपनी सॉफ्ट ड्रिंक बेच रही है, सॉरी वर्ल्ड के अंदर अपनी सॉफ्ट ड्रिंक बेच रही है, यानी कैसे इतनी बड़ी ब्रांड बनी। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, कोका कोला की शुरुआत है ना, ऐसे ही नहीं हुई थी। इनके जो फाउंडर थे वो एक टाइम पे किसी बीमारी से जूझ रहे थे, उसके लिए वो ड्रग्स लिया करते थे। अब उनको उस ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, उसको छुड़वाने के सोचा मैं करूँ क्या। तो उनको काफ़ी रिसर्च करने के बाद, आरएनडी करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट के अंदर कोका लीव्स अवेलेबल है। अब वो कोका लीव्स क्या करती हैं, जब आप उनको खाते हो, च्यू करते हो, तो उससे आपका पेन कम होता है, डोपामिन माइंड के अंदर रिलीज होता है। उनको लगा ठीक है, वो उस लीव्स को लेकर आए, उन्होंने उसको च्यू करना चालू करा, खाना चालू करा, बट वो लीव्स बहुत ज़्यादा कड़वी थी, तो उन्होंने कहा यार तो खाई नहीं जा रही है। उसके बाद उन्होंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, वाइन को मिक्स कर दिया कोका लीव्स के साथ, जिससे वाइन के टेस्ट और वो टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए। तो जैसे ही उस टेस्ट को मिक्स करा, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए और उन्होंने देखा कि मुझे इतनी अच्छी लग रही, मेरा पेन कम हो रहा है, तो क्यों ना मार्केट में इसको बेचना चालू करूं, उससे पैसा कमाऊं। तो उन्होंने उनके दोनों के मिक्सचर को मार्केट में बेचना चालू करा। काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा, मतलब प्रेसिडेंट तक उस ड्रिंक को कंज्यूम करने लग गए थे। बट कुछ टाइम बाद वाइन के प्रोडक्शन को लेकर मार्केट में रोक लगा दी गई। उसके चलते उनको लगा कि अब मेरा बिजनेस उठा पड़ जाएगा, क्योंकि वाइन तो बंद करा दी गई है इस समय। फिर उन्होंने आइडिया लगाया कि मैं क्या वाइन के सब्स्टिट्यूट में किसी और केमिकल या फॉर्मूले को डाल सकता हूँ। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करा। फिर उन्होंने एक सिरप तैयार करा जिसके अंदर कोका लीव्स मिलाते थे प्लस कैफीन मिलाते थे, तीन चीज़ों को आपस में मिक्स करते थे। जैसे उस ड्रिंक को काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कम से कम 1 से 2 साल का उनको समय लगा, उन्होंने मार्केट में लॉन्च करा। वो ड्रिंक मार्केट के अंदर हिट हो गई और अब बड़े नहीं, बच्चे भी कंज्यूम करना चालू कर चुके थे उसको, क्योंकि उसमें वाइन नहीं था प्लस मेडिसिन फैसिलिटी, मतलब मेडिसिन मतलब कि अगर कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो मेडिकली बहुत अच्छा था। एंड कंजम्पशन से एक तो डिप्रेशन कम होता था, थकान मिटती थी एंड मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती थी। तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि अब मैं अपने बिजनेस को इस शहर में और इस कंट्री में नहीं रखूँगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर लेकर जाऊँगा। उन्होंने पूरी टीम बनाई, लोगों को हायर करना चालू करा और फाइनली उन्होंने एक नेम को डिसाइड करा कि अब कंपनी का नाम रखना क्या है। तो कंपनी का नाम ऐसे पड़ा कोका कोला। अब यहाँ पे क्या, जो कोका कोला है ना उसके पूरे इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए। एक तो कोला लीव्स आ गई और कोला मतलब ठंडा, कोका कोला। उसके बाद कंपनी का लोगो डिज़ाइन करा गया जो आज तक चलता आ रहा है। थोड़ा उन्होंने उनके फॉन्ट्स को यूनिक वे में लिखने की कोशिश करी, तो नए तरह के फॉन्ट्स उन्होंने लगाए कोका कोला के अंदर। अब उसके बाद कोका कोला ने देखा कि हम वर्ल्ड के अंदर पूरे फैले कैसे, क्योंकि 18 सेंचुरी तक तो हम काफ़ी फेमस है, बट पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए हम अपना फॉर्मूला नहीं दे सकते, क्योंकि मेन तो उनका फॉर्मूला ही है। तो फाइनली फाउंडर्स ने डिसाइड करा कि हम हमारे फॉर्मूले को ट्रेड सीक्रेट रखेंगे, इसका पेटेंट नहीं कराएंगे। अब मैं आपको अंतर समझाता हूँ दोनों में अंतर क्या आता है। अगर मैं किसी चीज़ का पेटेंट कराऊंगा ना तो मुझे 20 साल तक के लिए उसका राइट मिलेगा, बट वहीं पे अगर मैंने ट्रेड सीक्रेट लिया है तो जब तक ट्रेड सीक्रेट पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हो जाता तब तक मेरा उस पर राइट है। मतलब अगर 500 साल तक वो ट्रेड सीक्रेट पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हो रहा है तो 500 ईयर्स तक मेरा उस पर राइट है। वहीं पेटेंट अगर मार्केट में पेटेंट अगर मैं करवाता हूँ तो 20 साल तक का राइट है, 20 साल बाद मेरा राइट खत्म हो जाएगा, कोई भी दूसरा पर्सन उस पेटेंट को यूज़ कर सकता है। तो वहीं पे इन्होंने अपनी फूड रेसिपी, मतलब जो ड्रिंक बनाने की रेसिपी है, उसका पेटेंट नहीं करवाया, उसको ट्रेड सीक्रेट रखा। कंपनी का सारा पैसा, मतलब मैक्सिमम पैसा वहीं पे जाता है कि इसको ट्रेड सीक्रेट कैसे मेंटेन करके रखना है। उसके बाद कोका कोला आज के टाइम में क्या करता है, कोका कोला हर कंट्री के अंदर जाकर खुद तो ना कोक सेल करता है। कोका कोला एक सिरप, एक जैसे बॉटल बनाता है, उसके अंदर अपना सिरप भरता है और जिसको भी फ्रेंचाइज देगा, डिस्ट्रीब्यूशन देगा कंट्री के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर, उसको कहेगा कि आपको मेरे सिरप को इतने लीटर पानी में और इतनी शक्कर घोल के बॉटल में पैक करके मार्केट में सेल आउट कर देना है। तो वहाँ से इन्होंने स्केलेबिलिटी लाई ट्रेड सीक्रेट की मदद से कि हम सारा फॉर्मूला को वर्ल्ड में एक जगह प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करना चालू कर देंगे, जहाँ पे सामने वाले को से पानी मिलाना, शक्कर मिलानी है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब मेन दिक्कत मैं आपको बताता हूँ उनके साथ क्या आई थी, वो आई थी बॉटल्स के साथ। क्या हो रहा था,
जब ये अपनी मार्केट में बॉटल्स को लेकर आया तो कंपटीशन क्या करता था, सेम वही बॉटल लेकर आता था, वो भी बेचना चालू कर देता था। कस्टमर को कई बार लगता था ये सेम कोक की ब्रांड होगी, सेम बॉटल है, तो कस्टमर उसको खरीद लेता था, वहां से कोक को काफी नुकसान हो रहा था। तो फाइनली कोक कंपनी ने डिसाइड करा कि हम इतनी यूनिक बॉटल का डिजाइन बनाएंगे, फिर उसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन लेंगे, प्लस उसका ट्रेडमार्क भी लेंगे। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ट्रेडमार्क्स करवाए अपने बॉटल्स के डिजाइन का, शेप मतलब उसका पूरा शेप इन्होंने ट्रेडमार्क्स कराए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा था उसकी R&D के ऊपर। जो आप डिजाइन देखते हो ना कोका कोला के पुराने वाले बॉटल्स के, कांच के, वो इन्होंने ही इन्वेंट करे थे कोका कोला वालों ने। उसके बाद जैसे इन्होंने इन्वेंट करा, उसका ट्रेडमार्क कराया, पूरे वर्ल्ड में वो बॉटल्स फेमस हो गई। अब उससे हुआ क्या, उससे इनके मार्केट में इनकी कंपनी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलने लगे, इंडिया के अंदर भी आए। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया इनको छोड़ना पड़ा था, कुछ पॉलिसीज इशू आ गए थे इंडिया के अंदर कि बाहर की कंपनीज अलाउ नहीं थी इंडिया के अंदर, उसके चलते इनको वापस इंडिया से स्टेप बैक करना पड़ा था। बट जब वापस इंडिया में इन्होंने कदम रखा, लोग इनको भूले नहीं, क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत यूनिक है। देखो मेन चीज फूड के अंदर टेस्ट का होता है। आज कोका कोला का ड्रिंक है ना, किसी भी मार्केट के अंदर जाके ड्रिंक से मैच कर लो, नहीं होगा। कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा है R&D के ऊपर, नए टेस्ट के ऊपर, नए फ्लेवर्स के ऊपर, जिनसे इनकी रेसिपी मार्केट के अंदर लीक ना हो जाए। आज इनकी रेसिपी तो जो सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है इनका, जो सबसे बड़ा एसेट है आज के टाइम में इनका। उसके बाद इन्होंने क्या देखा मार्केट के अंदर कि हम और कैसे फैले मार्केट के अंदर, तो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज का टाई अप करना चालू कर दिया। जैसे आप मूवी थिएटर हॉल में जाते हो, मूवी हॉल में जाते हो, तो वहाँ पे कोक की आपको बॉटल नहीं मिलती है, वो आपको पैक करके देते हैं एक कप के अंदर। तो उसके लिए टाइप्स के अंदर भी यही करते हैं, टाइप्स के अंदर ही बड़े लार्ज क्वांटिटी के अंदर सप्लाई करते हैं जो इनके टाइप्स वाले पार्टनर्स होते हैं उनको। अब मैकडोनल्ड्स को जब इन्होंने जब मैकडोनल्ड्स का एग्रीमेंट साइन करा था टाइप को लेके कोका कोला के, तब इन्होंने मैकडोनल्ड्स वालों ने एक एग्रीमेंट में शर्त रखी थी कि हम आपसे कोक तो लेंगे बट बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बॉटल्स में नहीं लेंगे, हम लोग कैंस के अंदर और या फिर एक ऐसा अलग से स्टेनलेस स्टील बनाएंगे जहाँ पे आपके कोक का फ्लेवर ख़राब ना हो। और उसी में आज मैकडोनल्ड्स सारे कोका कोला को लेता है, और जितने भी आप मैकडोनल्ड्स पे आप कोक पीते हो ना, उसका टेस्ट हमेशा अलग होगा ऑर्डिनरी कोक से। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कोका कोला ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि उनके टेस्ट में कोई डिफरेंस ना है। मतलब अगर आप जो टेस्ट इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वही सेम टेस्ट आपको थाईलैंड में मिलेगा, UK में मिलेगा, US में मिलेगा, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में सेम टेस्ट मिलेगा। उससे क्या होता है, कंपनी ने एक तरह का कहते हैं ना सिमिलर टेस्ट बनाया, तो वहाँ से स्केलेबिलिटी आती है कंपनी के अंदर। उसके लिए IPR लॉयर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एशिया के अंदर कोका कोला ने 5000 से ज़्यादा ट्रेडमार्क्स फाइल कर रखे हैं इस समय, 5000 से ज़्यादा, बहुत बड़ा नंबर होता है ये 5000 ट्रेडमार्क्स का। वो क्यों फाइल कर रखे, कि इनका नाम कोई दूसरा यूज़ ना कर पाए। अल्टीमेटली हम दुकान पर ये नहीं बोलते भैया कि कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोक दे दो, कोका कोला दे दो, ठंडा मतलब कोका कोला, ये भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ये स्लोगन उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है। क्यों बड़े बड़े ब्रांड स्लोगन को रजिस्टर्ड कराते हैं, क्योंकि देखो स्लोगन पे वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, सेलिब्रिटी को हायर करते हैं, बाबा TV एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, सोशल मीडिया एड्स चलाए जाते हैं, जिससे कस्टमर के माइंड में वो चीज़ जाके रजिस्टर्ड हो जाए। इसलिए इन स्लोगन्स का भी ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, उनको भी जाके रजिस्टर्ड कराते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्लस रेड कलर की लेबलिंग देखी होगी अपने कोक के ऊपर, वो इनका सबसे मेन फीचर है, क्योंकि अगर हम किसी भी दुकान पे जाते हैं ना, वहाँ पर रेड कलर का लेबल देखते हैं किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, हम तुरंत समझ जाते हैं यह है कोका कोला। तो वहाँ से इनको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिला। तो उन्होंने एक तो वर्ड मार्क फाइल कर रखा है, लोगो मार्क फाइल कर रखा है, इवन कलर मार्क भी फाइल कर रखा है, एंड कॉम्बिनेशन मार्क फाइल कर रखा है, बॉटल का शेप मार्क फाइल कर रखा है, जिनसे मार्केट के अंदर कोई भी इनको कॉपी ना कर पाए। देखो फ्रेंड्स, जितनी भी बड़ी ब्रांड आप देखोगे ना आज के टाइम में, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, बड़ी बड़ी कंपनियां, मैगी, नेस्ले, ये लोग IPR में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे मोनोपोली है। आज मैगी जैसा टेस्ट आपको मार्केट में और देखने को मिलता है? नहीं मिलता ना। क्यों? वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, वो उनकी मोनोपोली है, जिसको बचाते हुए चल रहा है। पतंजलि ने कितनी कोशिश करी बट मैगी को कॉपी नहीं कर पाया। सेम विथ कोका कोला, पूरा मार्केट लगा हुआ है कोक की रेसिपी पता करने में, कोक जिससे अच्छा बेटर रेसिपी बनाने में, बट आज तक कोई बना नहीं पाया। तो ऐसे जाके कोका कोला इतना सक्सेसफुल बना। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप और कंपनीज की IPR की केस स्टडी चाहते हो, कंपनीज के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से ग्रो हो रहे हैं, डे बाय डे अपने बिजनेस एंड सेल्स एंड एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट डाउन करो उस कंपनी के बारे में, हम उसके ऊपर भी IPR की केस स्टडी लेकर आएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।